नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बरसित। आपका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये TVS Apache बाइक। ये RTR160 मॉडल है, 2015 का है, BS3 वर्जन। तो मैं इसके ऊपर आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसका लॉन्ग टर्म यूसेज कैसा है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा है वगैरह वगैरह। मैं मेनली इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया है और हर जगह सर्च किया है कि लॉन्ग टर्म यूसेज किसी एक ट्रस्टेड बाइक का कैसा रहता है, लेकिन मुझे बहुत ही रेयर या कहीं पे मिला नहीं रहता है कोई लॉन्ग टर्म यूसेज का। मैं इस बाइक को लगभग 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको 2015 में ख़रीदा था और अभी ये 2018 आ चुका है और इस सेप्टेम्बर को ये 3 ईयर्स इसका कम्प्लीट हो जाएगा। सो चलिए चालू करते हैं। इसका सबसे पहले मैं स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और क्या क्या चेंज है BS3 और BS4 में, और इसके कुछ प्रोस और इसके कुछ कॉन्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ये ऐसा चालू होता है, सेम टू सेम, कुछ नहीं है अंतर BS3 और BS4 में। सब कुछ सेम है, सारा इंस्ट्रूमेंट कंसोल सब सेम है। ये इसका अब टैकोमीटर है, ये इसका डिजिटल स्पीडोमीटर है, ये इसका फ्यूल इंडिकेटर है, ये इसका टाइम है, ये इधर इसका ओडोमीटर है कितना बताता है। ये मेरी बाइक करीबन 11,000 किलोमीटर चल चुकी है। सो आप देख सकते हैं, मैंने अपने बाइक में कोई भी अलग से स्पेशल मॉडिफिकेशन नहीं करवाया है, कोई भी बॉडी में कुछ अलग से पेंटिंग नहीं करवाया, कोई स्टिकर नहीं चिपकाया। जैसा सेम टू सेम जैसा बाइक आया था वैसा ही है। बाकी मेरे देखिए, मेरा लोग अक्सर बोलते हैं कि इसका डे टाइम रनिंग LED बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा थ्री इयर्स हो चुका है इस बाइक को, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है इसके DRLs में, सब परफेक्ट चलता है सब कुछ। वो लोग अक्सर अलग अलग मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, उसके वजह से सब ख़राब हो जाता है बाइक में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अच्छी चल रही है। कुछ कॉन्स है, कुछ प्रोज है इसमें, वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अभी एक साथ बताने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं, मैंने अपने बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवा रखा है, जैसा है नॉर्मल वैसा ही है, और ऐसा ही रखना अच्छा होता है। बाइक का लाइफ भी अच्छा रहता है, बाइक के इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वगैरह का लाइफ भी अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट से। इसका नंबर वन पॉजिटिव पॉइंट है ये जो ये बाइक है, इसका जो सीट है, ये सीट बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा खासा हम राइड वगैरह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। जैसे इसके और भी जैसे कंपटीटर्स है, जैसे पल्सर है, FZ है, उनका सीट थोड़ा हार्ड होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका सीट काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं होता है। और इसका दूसरा जो एडवांटेज है, ये इसके सस्पेंशन है। आप देख सकते हैं इसका पीछे का सस्पेंशन है इन्वर्टेड टाइप, और इसका सामने का सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक टाइप। सो इसका सस्पेंशन मुझे बाकी बाइकों से थोड़ा सा स्टिफ लगा, लेकिन अच्छा है। इनके स्टिफ सस्पेंशन के होने की वजह से इसका पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, और ये बाइक इंस्टेंट थ्रॉटल पे इंस्टेंट रेस्पॉन्स करती है, जो इसका नाम है RTR, रेसिंग थ्रॉटल रेस्पॉन्स, ये पूरी तरीके से इस पर जस्टिफाई करता है। इसका जो तीसरा पॉइंट है, इसका जो टैंक कैपेसिटी है, ये भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू बाकी सारी बाइक से। इसका टैंक कैपेसिटी लगभग आपको 16 लीटर का मिलता है, लेकिन मैं ये BS3 वर्जन का बात कर रहा हूँ, क्योंकि BS4 वर्जन में कंपनी क्लेम्ड आपका 12 लीटर या 13 लीटर का होता है, क्योंकि वो कुछ सेफ्टी रीजंस के वजह से होता है और कुछ एमिशन रूल्स के वजह से उनको कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं छोटे मोटे, तो उसके वजह से कंपनी आपके सेफ्टी के लिए बोलती है कि आप कभी भी ज़्यादा पेट्रोल ना भरवाएं उसमें। मैं उसका रीज़न भी बताता हूँ आपको। ये देखिए, मेन रीज़न ये है, ये BS3 बाइक है और ये BS3 बाइक का ये मेरा कैप है, तो इसमें एक ये रबड़ की सीलिंग आती थी जिसमें एक ये छोटा सा सुराग है। इससे क्या, गैस जो हम पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डालते हैं, तो क्या होता था, जब हम पेट्रोल डालते तो कभी कभार हमारी बाइक धूप में खड़ी रहती है या कभी एक्सट्रीम हीट में खड़ी रहती है, तो टैंक में भी पेट्रोल उड़ता है, वेपर्स बनते हैं उसके, तो उसके वजह से गैस फॉर्म होता है। तो उसके गैस फॉर्म होने के चक्कर में क्या होता था, ये उस
छोटे से सुराख से जो मैंने आपको दिखाया था उससे वो उड़ता रहता है। तो इससे क्या होता था, एक मेन डिसएडवांटेज ये था कि इसमें पेट्रोल भी बहुत बार वेस्ट होता था। तो अभी BS4 आने की वजह से इसका जो वो सुराख, जो रबड़ का जो सीलिंग था उसको चेंज करके पूरा ही स्टील का कर दिया है। तो उससे क्या होता है, तो BS4 में ये होता है कि अब जैसे कि BS3 में होता था कि ये उस सुराख से वो गैस जो भी बनता था वो निकल जाता था, लेकिन BS4 में स्टील की कोटिंग होने की वजह से वो और गैस निकल नहीं पाता है। तो इसके वजह से टैंक के अंदर गैस बन जाता है, और सपोज़ वो गैस कार्बोरेटर तक पहुंच जाए, क्योंकि ये बाइक आप देख सकते हैं कार्बोरेटेड ही कार्बोरेटेड वर्जन ही है इसमें, ये FI वर्जन अभी नहीं आता है। इसके और ऊपर मॉडल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा FI वर्जन। तो इसका जो कार्बोरेटर में अगर गैस जाएगा तो इसमें आपका बाइक चलने में दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके वजह से आपको कंपनी बोलती है कि आप 12 या 13 लीटर तक ही भरवाएं फॉर आपका सेफ्टी रीज़न। और बहुत बार क्या होता है, वो गैस एक्सट्रीम हीट अगर इंजन के हीट के साथ कन्वेक्शन में आएगा तो बाइक में आग लगने का भी बहुत चांसेस होता है। तो फॉर योर सेफ्टी रीज़न कंपनी बोलती है, तो आप प्लीज़ उसको कृपया करके माना कीजिए। इसका जो चौथा पॉजिटिव पॉइंट है कि इस बाइक के टायर का जो डायमीटर है, 17 इंच के टायर लगे हुए हैं इनके दोनों, 17 इंच के व्हील है सॉरी, तो इन दोनों इनके डायमीटर शॉर्ट होने की वजह से इस बाइक की मैन्युवरेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। जो इस बाइक का फिफ्थ एडवांटेज वाला पॉइंट है वो है कि इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, जिसके वजह से जो राइडर्स है, जो हम मुझ जैसे शॉर्ट राइडर्स हैं, मेरी जैसे 5'4" हाइट है, तो 5'3" 5'4" 5'5" तक भी जो राइडर्स है वो आराम से इस बाइक को इजीली हैंडल कर पाते हैं, उनका पैर आराम से नीचे तक पहुंच पाता है। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए बाइक बहुत अच्छी है। और जो इसका सिक्स्थ और लास्ट जो एडवांटेज पॉइंट है कि ये 2018 में भी अभी भी बहुत गुड लुकिंग बाइक है फॉर कम्यूटिंग पर्पज़। ऐसा कम्यूटर बाइक, मैं इसे लुक्स के मामले में इसको तो फुल थम्स अप देता हूँ। अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सो इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट और पहला नेगेटिव पॉइंट है कि इस बाइक में वाइब्रेशंस बहुत आता है। आप जब पहले अगर कोई नया बाइक भी लेंगे, ये अगर आप नया बाइक भी लेंगे, मेरे को तो खैर 3 साल हो गया लगभग इसको चलाते हुए, आप कोई नया बाइक भी लेंगे, आप इसको चलाते ही सबसे पहले महसूस करेंगे इसमें वाइब्रेशंस बहुत है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मुझे भी कभी कभार लगता है कि इसका वाइब्रेशंस भले ही हो लेकिन इसका जो रॉ पावर होता है, इंजन का रॉ पावर निकल के आता है सामने से पूरा, तो इसको चलाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। आप इसको जितना हार्ड ड्राइव करेंगे ये इतना ईज़ होता जाएगा ये बाइक को। ये आपको थोड़े हाई RPM पे इसका वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, लेकिन आप अगर इसको 4000 या 4500 RPM पे अगर चलाते हैं तब इसका वाइब्रेशन महसूस होगा, उसके ऊपर और उसके नीचे उतना वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। सो इसका ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। दूसरा इसका डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है ये इसका जो चेंज पॉकेट है, ये चेंज पॉकेट TVS वालों का, स्पेशली अपाचे बाइक का, बहुत जल्दी खींच जाता है। मैंने अपनी बाइक अभी आपको देखा था लगभग 11,000 किलोमीटर चलाया, और इसका मैंने चेंज पॉकेट, ये मेरा दूसरा चेंज पॉकेट है, जो इसके साथ जो पहला चेंज पॉकेट आया था वो मेरा चेंज हो चुका है। करीबन ये 10,000 किलोमीटर तक में ही पूरा घिस चुका था मेरा चेंज पॉकेट। सो ये TVS का एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। काफ़ी सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं और फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं, इसका चेंज पॉकेट बहुत जल्दी घिस जाता है। इसका जो तीसरा जो डिसएडवांटेज है ये है, वो है इसका फ्यूल इंडिकेटर। इसका फ्यूल इंडिकेटर काफ़ी इनअप्रोप्रिएट है। ये जब आप कभी भी 2 या 3 लीटर तेल भरते हो तो इसका फ्यूल इंडिकेटर बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है। कभी कभार ये 4-5 तक पहुंच जाता है अगर आप 2 लीटर 2.5 लीटर भी भरवाते हो, या 1.5 लीटर भी भरवाते हो, तो कभी कभार ये 2 पे ही रह जाता है। तो कभी कभार ये करता है, ये एक डिसएडवांटेज है इस बाइक का। और जो ये चौथा जो है डिसएडवांटेज है, इसका जो गियर शिफ्टिंग है, ये गियर शिफ्टिंग जो है इसका बहुत ही ज़्यादा क्लंकी है। ये काफ़ी बार डाउन शिफ्ट करने के वक्त अटक जाता है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत क्लच एडजस्ट करके फिर इसका डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस भी होता है। इंस्टेंट गियर शिफ्ट करने में भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है।
सो इसका ये गियर शिफ्ट नॉब को भी थोड़ा मेंटेनेंस का जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ता है, तो ये भी एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। सो मैंने इसके आपको प्रोस और कॉन्स बता दिए, अभी मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ और क्या चेंज हुआ है और क्या क्या चेंज नहीं हुआ है BS4 और BS3 में। तो इसके जो सामने जो डिस्क ब्रेक है ये 270 mm के डिस्क ब्रेक है और डुअल पिस्टन वाले है, पेटल डिस्क ब्रेक्स है, और इसके पीछे है 200 mm का डिस्क ब्रेक है। मेरे बाइक में इसमें ड्रम ब्रेक का भी ऑप्शन आता है, और ये सिंगल पिस्टन वाला आपका डिस्क ब्रेक कैलिपर है। इसका पीछे आपका LED पूरा टेल लैंप आता है, पूरा LED टेल लैंप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा LED टेल लैंप है इसका, और इसका जो ये आपका जो फ्रंट का हेड लैंप है, ये भी आपका जो इसका पायलट लैंप है, ये भी पूरा LED का आता है। ये भी सेम टू सेम अभी BS4 में भी सेम है, और बाकी BS4 में बस एक अंतर है कि आपका जो ये हाइपर एज लिखा हुआ है इधर, इसके ऊपर एक BS4 का स्टिकर चिपक जाता है, और इधर जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कैनिस्टर फिट हो जाता है एमिशन के नॉर्म्स के लिए, और यहाँ पे एक आपका टैंक में एक स्टिकर चिपक जाता है आपके वार्निंग के लिए, ताकि आप ज़्यादा फ्यूल ना भरवाएं। और बाकी इधर एक स्विच जो ये गियर है BS3 में ये हट जाता है, तो क्योंकि इस BS4 बाइक में इसका AHO सिस्टम रहता है, ऑलवेज ऑन हेडलैम्प। सो बस यही अंतर है, ज़्यादा BS3 और BS4 में और ज़्यादा कोई भी अंतर नहीं है, बाकी पूरी बाइक सेम है। और इसमें अभी एक रिसेंटली एक नया रेस एडिशन आया है, जो कि पूरा इसके जितने भी स्ट्राइप्स है सारे ऑरेंज कलर के हैं, और यहाँ पे आप अपाचे की जगह इनका TVS का 3D लोगो लगा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कि बाकी इसका इंजन वही सेम है, 159.7 cc का इंजन है इसका, सिंगल सिलेंडर 12 वाल्व इंजन है, 4 स्ट्रोक। सो बाकी BS4 और BS3 में इंजन में कोई अंतर नहीं है, साइलेंसर में भी कोई अंतर नहीं है। साइलेंसर का भी मैं आपको साउंड सुना देता हूँ स्टार्ट करके। सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस बाइक का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू आपको पसंद आया होगा, इसके प्रोस और कॉन्स मैंने आपको, शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझा पाया होगा। मैं इस बाइक का कोई प्रोमोशनल वीडियो कर नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपके लिए मैं जानकारी पहुंचाने के लिए सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे TVS कंपनी ने कोई पैसे वैसे नहीं दिए है इसका प्रमोशन करने के लिए, बस मेरे पास ये बाइक है, तो इसलिए मैं अपने बाइक के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जानना चाहते हैं। मैं भी जब बाइक लेने वाला था तो मैं भी काफ़ी सारे रिव्यूअर्स वगैरह को देखता था, काफ़ी हेल्प मिलता है इन सब वीडियोज़ के लिए, तो सो इसलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये लॉन्ग टर्म ओनरशिप वीडियो है। होप सो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ अगर आपको ज़रूरी लगे कुछ मिस हो गया हो मेरे से तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।